हेलो गाइस, मैं मुकुल शर्मा निक्के से। ये हमने अभी अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है, हैंड हेल्ड स्विंग मशीन। ये हमारी बैटरी के साथ में वर्क करती है, जिसमें डबल ए की 4 बैटरी लगती हैं, जिसको आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं। इसके साथ में हमारे ये कुछ टूल्स आते हैं, जिसके अंदर ये स्पिंडल के लिए है, एक ये हमारी एक्स्ट्रा नीडल है, ये टूल है, 2 एक्स्ट्रा बॉबिन्स हैं, ये तीसरा बोबिन है। हमें इसको फिटिंग किस तरीके से करनी है कि हम इसको डायरेक्टली ऐसे बाहर को निकाल सकते हैं, अगर हमें कोई दूसरा बोबिन लगाना है तो इसको डायरेक्टली हम इस स्प्रिंग के साथ में पहले स्प्रिंग रखेंगे, फिर इसको यहाँ से रख के प्रेस कर देंगे तो यहाँ से ये फिट हो जाएगा। और इसमें अगर हमें धागा लगाना है तो पहले हमें इसको धागे को इस वाले पॉइंट से निकाल के ला के फिर इस रोटरी हेड पर घुमाना है, और फिर इसके अंदर जो यहाँ पर हुक है, इस हुक से निकालने के बाद में हमको अपनी निडल से इसको निकालना है। कि निडल से निकालने के लिए हम जो ये टूल है छोटे वाला, ये यूज़ कर सकते हैं। ये छोटे टूल से, इस छोटे टूल को हमें अपने निडल के अंदर इस तरीके से इसको डालना है, और यहाँ से हम धागा पकड़ के इसमें खींच के बाहर निकाल लेंगे। ये जो इसमें रोटरी है, ये इसकी हाइट को एडजस्ट करने के लिए है। आप इसको घुमाते रहेंगे तो इसमें इस तरीके से अंदर जाके लॉक हो जाएगा। जब भी आपको उसको पैक करके रखना है तो आपको इस तरीके से कर सकते हैं। आप देखेंगे जैसे ही अंदर गया तो इसने जो इसका धागा है वो अंदर की साइड में चला गया है। हम इसको अभी के लिए तो बाहर खींच लेंगे। और कपड़ा लगाने के लिए हमें इसमें इस तरीके से इसको ऊपर उठाना पड़ता है। ये कपड़ा है, मैं अभी आपको इसको लगा के दिखाता हूँ कि हम इसको किस तरीके से लगा के इसमें हमें चलाना है। इसको हम ऊपर को इस तरीके से उठाएंगे और इस नीडल के बीच में हम ये कपड़ा इस तरीके से रख के इसको हम छोड़ देंगे। यहाँ पे इसमें कपड़ा रखने के बाद में हम इसको छोड़ेंगे तो ये इसका एक सेफ्टी लॉक है। हम इसको अगर पीछे की साइड करेंगे तो इसमें ये फिर बटन प्रेस करने से हमारी मशीन चालू होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम इसको आगे को करेंगे तो ये बटन प्रेस नहीं होगा, हम पीछे करेंगे तो अभी हमारा ये चालू होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी मैं इसको दिखाता हूँ आपको कि इसकी जो सिलाई है किस तरीके से है। इसको पकड़ के हमको हल्का हल्का खींचना है अपनी साइड को, या ये मशीन अपने आप इसको लेफ्ट साइड की तरफ अपने आप फेंकती रहेगी। बटन जैसे ही प्रेस करेंगे ये चालू होना स्टार्ट हो जाएगी अपने आप। हमें इसके अंदर और कुछ नहीं करना, सिलाई लगने से स्टार्ट हो गई है। आप देखेंगे सिलाई अभी इसमें लग गई है। ये इसको बाहर निकालने के लिए, अगर ये यहीं पर इस तरीके से रुक गया है या आपका अपना कपड़ा एंड हो गया है, तो आप इसको लगातार ऐसे ही चलाते रहें तो ऐसे ही ये बाहर आ जाएगा। इसको यहाँ से कॉर्नर से पकड़ के थोड़ा सा हम बाहर की साइड खींचेंगे। खींचने के बाद हम इस धागे को यहीं से कैंची से काट लेंगे। कैंची से काटने के बाद में आप देखेंगे कि इसके पीछे की साइड में ना हमको इसमें लॉक लगाना पड़ता है। जो इसमें लॉक लगाने के लिए हम इस वाले टूल से या निडल से इसका जो ये पीछे की साइड में आपको एक छोटा सा धागा यहाँ से उठा हुआ दिखाई देगा, ये जो धागा उठा हुआ है इसमें से हमें अंदर की साइड से ये धागा निकालना है। इसके अंदर हम टूल फंसा के इसको ऐसे बाहर को खींचेंगे तो ये हमारा इसके अंदर लॉक लग गया है। ये लॉक लगने के बाद में अब जो इसकी सिलाई है वो हमारी नहीं खुलेगी, अपनी सिलाई इसके अंदर फिक्स हो गई। इसी तरीके से हम इस वाली साइड में भी ये धागा यहाँ से बाहर खींच लेंगे तो ये हमारा लॉक इसके अंदर लग जाएगा, तो हमारी स्टिचिंग यहाँ से नहीं खुलेगी। इसको यहाँ से पकड़ के हम इसको भी यहाँ से इस तरीके से ही खींच देंगे तो हमारा दोनों साइड से इसमें सिलाई हमारी हो गई है। और कुछ कपड़े अलग तरीके के रहते हैं, जिस कपड़ों के अंदर ये वाली सुई नहीं चलती है। आपको कौन से कपड़े के साथ कौन से नेडल यूज़ करनी है, उसके लिए मैंने आप इस वीडियो में चार्ट अटैच कर दिया है। मशीन के साथ जो हम नेडल दे रहे हैं वो 18 नंबर की है। बाकी आप अपनी मार्केट से भी इसको परचेज़ कर सकते हैं, जो कि 5 से 7 रुपये के आसपास तक आ जाएगी। जैसे कोई नेट का कपड़ा है या कोई बहुत ही ज़्यादा पतला कपड़ा है, उसके ऊपर हमें ये दूसरी निडिल हमें इसमें यूज़ करनी पड़ती है। तो जब हमारा ये इस तरीके से हो गया है, और अगर हम इसके अंदर लॉक नहीं लगाएंगे तो ये बार बार हमें प्रॉब्लम देगा। मैं आपको दिखाता हूँ लॉक ना लगाने की वजह से हमें इसमें क्या इशू आ सकता है। हमने दोबारा इसके हेड को उठाया, हमने यहाँ पर कपड़ा लगाया, लगाने के बाद में हमने इसको छोड़ दिया और सिलाई करके दोबारा से स्टार्ट करा इसी तरीके से। अगर हम इसको धागा हमने इसको अभी हम काट देते हैं आपके सामने, अगर हम ये लॉक नहीं हटाएंगे तो, और ये अगर धागा खींचेंगे तो ये अपने आप इसकी स्टिचिंग जो है वो हट जाएगी। तो इसलिए इसमें कंपलसरी है कि आपको इसमें जो पीछे की साइड से धागा निकाल के लॉक लगाना है वो कंपलसरी ही है। इसमें अगर हम नहीं लगाएंगे तो फिर नहीं चलेगा, तो ये आप चीज़ का ध्यान रखिएगा।
और अगर आपको कोई भी इशू आता है आप हमारे कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट के साथ में वारंटी भी हम देते हैं, तो आप इसको अमेज़ोन से बाय कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी इशू रहे प्रोडक्ट से यूज़ करने के रिलेटेड या वारंटी रिलेटेड, तो आप हमसे इस चीज़ के लिए बात कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर इसका सॉल्यूशन देंगे। ये सब चीज़ें हैं मशीन के साथ में, लेकिन इसमें जो बैटरी है, बैटरी आपको खुद ही परचेज़ करनी पड़ेगी। डबल ए की बैटरी है, ये आपको खुद ही परचेज़ करनी पड़ेगी। अगर आपके घर पे कोई 6 वाट का डीसी अडेप्टर है जो कि इजीली अवेलेबल होता है, आप उसको लगा के भी इसके साथ में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बैटरी यूज़ नहीं करनी है तो सेफ्टी लॉक इसका लगा दीजिएगा, जब आपको यूज़ नहीं करनी है वही बेस्ट होगा। इसको लॉक करके आप यहाँ से इस तरीके से छोड़ के इसको पैक करके दोबारा से रख सकते हैं, जब भी आपको यूज़ करना हो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।